ट्रैफिक मेट्रोस के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक और हर बंदे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है रश आर में ड्राइव करना। बाय गॉड मुझे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। भटिंडा पंजाब, यहाँ कोई है जो बड़े कूली ट्रैफिक में अपनी कार ड्राइव करते हैं, ले जाने का। मिलिए हरप्रीत देव से, जिन्होंने अपने टैलेंट को ढूंढा कार के बैक गियर में। ये भाई साहब पिछले 12 सालों से बैक गियर में अपनी गाड़ी चलाते हैं। कहते हैं ना, नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। मैं कहीं गए हुए था, वहाँ पे मेरी गाड़ी खराब हो गई, गियर अटक गया था, बैक गियर में रह गई गाड़ी। तो वहाँ पे मैकेनिक वगैरह भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़रूरत थी वापस आना था, तो मैं फिर रिवर्स गियर में ही आ गया। उसके बाद में फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पर क्या शुरुआत में इनके टैलेंट को लोगों ने एक्सेप्ट किया? पहले मैं चोरियों चलाता था, ओपन नहीं था, तो मैंने पहले अपने आप को पूरा प्रिपेयर किया कि हाँ मेरे अंदर सही टैलेंट हो, क्योंकि एक मजाका के अंदर ना हो जाऊं, इसलिए मैंने पहले अपने आप को परफेक्ट किया। और जनाब इतने परफेक्ट हो गए हैं कि ये आज तक करीब 65,000 किलोमीटर रिवर्स में कार चला चुके हैं। हरप्रीत ने रिवर्स में 80 किलोमीटर पर आर मैक्सिमम स्पीड को छुआ है। लगता है इनके पास कोई ढांसू टेक्निक होगी, तभी तो रिवर्स गियर इतना एंजॉय करते हैं। टेक्निक कोई डिफरेंट नहीं है, टेक्निक वही है, लेकिन थोड़ा सा उत्साह चाहिए। सिर्फ जो चेंजिंग की है वो मैंने अपनी खुद की टेक्निक है, वो गियरों की चेंजिंग है, और कोई टेक्निक इसमें चेंज नहीं। दरअसल सिर्फ एक रिवर्स गियर के साथ कार चलाने से बोर होकर हरप्रीत ने खुद ही अपने अंदर के टेक्नीशियन को जगाया और दूसरे मैकेनिक्स के साथ मिलकर अपनी कार में 4 रिवर्स गियर और एक फ्रंट गियर लगवा दिया। रिवर्स ड्राइविंग की दीवानगी इस हद तक बढ़ी कि उन्होंने एक बैक गियर ड्राइविंग स्कूल भी खोला, जहां वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि बैक गियर कितना काम आ सकता है, जैसे ट्रैफिक में और पार्किंग में। कई लोगों को फॉरवर्ड में बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है, रिवर्स में उनको करना नहीं आता, गली के अंदर से निकलना नहीं आता, कहीं ऐसी जगह फंस गए वो, मतलब घर में गाड़ी को सही ढंग से पार्किंग नहीं करना आता। बहुत लोग मेरे पास में आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं ऑल इंडिया लेवल पर जा करके लोगों को ये टैलेंट दूं। वैसे इनकी बैक गियर ड्राइविंग का लोगों पर क्या असर होता है, आइए ये भी जान लेते हैं। जब पहली बार गाड़ी चलाने देखा बैक तो बड़ा अजूबा लग गया, भैया क्या की यार, लोग तो इन्नी सीधी नहीं तेज भजा सकते, जिन्हें बैक ले जाता है, साड़ी मदद करते हैं, लोगों को बड़ी जानकारी देते हैं चौंकाच करके। रिवर्स ड्राइविंग एक्सपर्ट हरप्रीत के इस यूनिक चैलेंज की वजह से उनका नाम वर्ल्ड्स यूनिक रिकॉर्ड के साथ साथ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। फैमिली में इकलौते हरप्रीत नहीं है जिन्हें रिवर्स में जाके आगे निकलने का शौक है। इनकी वाइफ इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज रिवर्स में लिखती है। वाह, मतलब हस्बैंड गियर से कमाल दिखा रहे हैं और वाइफ कलम से, कमाल की उल्टी टैलेंटेड फैमिली है यार। नहीं, लोगों को खुशी भी मिलती है कि ये इंसान है जो रिवर्स में चला लेता है और हम लोग फॉरवर्ड में भी नहीं चला पाते हैं सही ढंग से। अपनी 4 रिवर्स गियर की कार से करीब 65,000 किलोमीटर रिवर्स ड्राइविंग करने के बाद हरप्रीत की अचीवमेंट पे उनकी फैमिली के साथ साथ हमें भी गर्व। हम चाहेंगे कि आप ये जुनून इसी तरह बरकरार रखें और देश का नाम नई बुलंदियों तक ले जाएं।